तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉयड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर फ्रेंड आप SBI का नया वाला ATM पाए हैं तो उसका पिन कैसे जनरेट करें। बिल्कुल हम लोग लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे ATM मशीन पर फ्रेंड स्टेप बाई स्टेप कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फ्रेंड आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड आइए यहाँ पे कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे नया पिन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे तीन चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप तीनों चीज़ इकट्ठा कर लीजिएगा। फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या क्या लगने वाला है, आपका अकाउंट नंबर आप अपने पासबुक से ले लीजिएगा और फ्रेंड अकाउंट नंबर से जो नंबर मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर चाहिए और तीसरा आपका चाहिए दोस्तों नया वाला ATM, ये तीनों रहेगा। उसके बाद आपको SBI के ATM पर चलना है और यहाँ पे हम लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि कैसे आपको पिन चेंज करना है। तो फ्रेंड आइए वीडियो आखिरी तक देखिए और पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कैसे कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड कमाल वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम नया वाला ATM लेकर चलेंगे SBI के ATM पर और वहाँ पे अपना नया पिन जनरेट करेंगे। तो जैसा फ्रेंड हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपना ATM यहाँ पे कुछ इस तरह से स्वाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, सर्विस मिनी स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन क्विक कैश बैंकिंग बैलेंस इंक्वायरी ट्रांसफर एंड पिन जनरेशन। तो आपको जहाँ पे पिन जनरेशन का ऑप्शन दिख रहा है उसी पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे ही पिन जनरेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद नया वाला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो फ्रेंड जब नया वाला पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है प्लीज़ इंटर योर 11 डिजिट अकाउंट नंबर। जैसा दोस्तों आपका जो अकाउंट नंबर होता है, खाता संख्या होती है, वो 11 अंक की होती है, 11 डिजिट की, तो वो आपकी पासबुक से देखकर यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो आइए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम इनपुट कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड अपना यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे कुछ इस तरह से नया वाला इंटरफेस नया वाला पेज इस तरह से आ जाएगा, जो ही आप पूरा यहाँ पे इनपुट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है प्लीज़ इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। यहाँ पे फ्रेंड जो आपका मोबाइल नंबर है जो उस खाते से रजिस्टर्ड है वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इनपुट करना होगा और मोबाइल नंबर वही वाला ध्यान से आप इनपुट कीजिएगा। इनपुट करने के बाद आपको क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे ही कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया वाला पेज इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको कंफर्म कर देना होगा। जैसे ही फ्रेंड कंफर्म करेंगे यहाँ पे नया वाला टैब आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं योर पिन जनरेशन इज ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैसेज के थ्रू कोई पिन भेज दी गई है जो आपकी 4 डिजिट की पिन होगी और यहाँ पे पिन जनरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन फ्रेंड आपको जो पिन SMS में भेजी गई है उस पिन से आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कोई भी पैसा वगैरह नहीं निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड करना क्या होगा, आइए यहाँ पे हम बात करते हैं। सीधे सीधे आपको अपना ATM कार्ड फिर से स्वाइप करना होगा और स्वाइप करके यहाँ पे क्या करना होगा, अपना पिन चेंज कर लेना होगा, तभी जाकर आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाएंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपना ATM कार्ड दोबारा यहाँ पे स्वाइप करेंगे, उसके बाद कुछ नया वाला इंटरफेस इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही हम अपना ATM यहाँ पे दोबारा स्वाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, सर्विस मिनी स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन क्विक कैश बैंकिंग बैलेंस इंक्वायरी ट्रांसफर एंड पिन जनरेशन। तो सिंपल हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही बैंकिंग वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे नया वाला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह नया वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछेंगे तो आपकी जो भी लैंग्वेज हो इंग्लिश या हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नया वाला पेज कुछ इस तरह से फ्रेंड ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं नया वाला टैब ओपन हो चुका है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख रहा है नया वाले पेज पर इंटर एनी नंबर बिटवीन 10 एंड 99। फ्रेंड 10 से 99 के बीच में आप कोई भी एक संख्या चूज करनी होगी तो आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे चूज कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए मैंने 45 ले लिया, आप कोई भी 2 अंक रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट इनपुट करने के बाद यहाँ सिंपल आपको यस पे क्लिक करना होगा। जैसे यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नया वाला इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आ रहा है प्लीज इंटर योर पिन, यानी फ्रेंड आपको क्या करना होगा, जो आपको SMS के थ्रू पिन मिली है वो वाली पिन आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा। ठीक है, जैसे वो वाली पिन इनपुट करेंगे उसके बाद यहाँ पे नया वाला पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप ध्यान रखिए फ्रेंड आपको जो SMS में पिन मिली है वही वाली पिन आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा। उसके बाद इनपुट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए नया वाला पेज किस तरह से आ रहा है।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं नया वाला जो पेज है इस पे कुछ ऐसा लिखा आएगा, डिपॉजिट ट्रांसफर पिन चेंज अदर फास्ट कैश कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पिन चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे पिन चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया वाला पेज इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जब नया वाला पेज आ रहा है यहाँ पे प्लीज इंटर योर न्यू पिन कुछ इस तरह से लिखकर, तो ध्यान रखिएगा यही नई वाली पिन है और इसी से आप ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे। तो यहाँ अपना गोपनीय पिन कोई चार अंक का यहाँ पे आप इनपुट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे इनपुट करेंगे फ्रेंड उसके बाद फिर से आपको नया वाला पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो फ्रेंड जब इस तरह से दोबारा आया तो फिर क्या करना होगा, फिर लिख रहा है प्लीज इंटर योर न्यू पिन, यानी दोस्तों कंफर्म करना होगा जो पिन आपने पहले डाला है अभी जस्ट पहले जो डाला है वही वाले पिन यहाँ पे डाल के कंफर्म करना होगा, यानी दो बार आपको डालना पड़ेगा वो पिन। उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड कन्फर्म, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ इस तरह से SMS शो करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जब नया वाला कुछ इस तरह से पेज आए देख सकते हैं ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस प्लीज वेट। तो फ्रेंड इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आप वेट कर लीजिएगा क्योंकि आपकी पिन जनरेट हो रही है, जो लाइन जनरेट होती है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो पिन जनरेट हो रही है थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद नया वाला पेज देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने वेट कर लिया और यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरह से, और पिन हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, यानी दोस्तों आपका जो पिन है वो चेंज हो चुका है सक्सेसफुली और उस वाले पिन से आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड आप यहाँ पे आपकी पिन जो है रेडी हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, आप अपने ATM का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही रही आज की वीडियो, हमें आशा है कि आपकी वीडियो पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। फ्रेंड अगर वीडियो में अगर कहीं भी आपको दिक्कत आई हो, कहीं भी आपको समझ में ना आया हो वीडियो में कोई प्रोसेस, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा फ्रेंड, रिप्लाई जरूर करूंगा कैसे कैसे क्या करना। अगर कहीं दिक्कत है प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।